थैंक यू भैया। टेस्ट का कैसा लग रहा है? यही एंडिंग मेरे माइंड में कुछ नहीं था, जो भी डिसीजन था मेरी वाइफ का था। अच्छा, मतलब इन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि आप इस तरीके का। ओके, बट उस टाइम मैं जॉब में था तो मैंने इतना गौर नहीं किया इनके। नॉर्मल सिचुएशन मेरी था बोलती जब दिल से फूटी थी करण दुआ जी ने वीडियो शूट। हाँ, बस यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ जी, सिचुएशंस कैसी भी हों उनका डट कर सामना करना चाहिए। रात के बाद सुबह होती ही होती, तो अंधेरे से ना घबराएं और कोशिश। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम तालकटोरा जाएंगे। तालकटोरा क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे एक कपल है जो 50 रुपीज़ में राजमा चावल या दिन का खाना प्रोवाइड करवाता है। हम उनके पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। लॉकडाउन में उनकी नौकरी छूट गई थी, तो लॉकडाउन में वो सब बिल्कुल घर से बाहर हो गए थे, बिल्कुल बेघर हो गए थे। तो देन उन्होंने डिसीजन लिया कि वो रोड पे छोले चावल या राजमा चावल सेल करेंगे, और आज वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग कपल है और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो आज हम उनको कवर करेंगे तालकटोरा में जाके। तो आगे की जैसी भी जर्नी होगी आपको ले चलते हैं। मैं कह रहा हूँ फ़ोन मेरे को ही कर रहा है। क्या हाल है तेरे? बढ़िया बढ़िया अच्छी व्यू आ रहा है ना उसका। सही है उसका। मैंने कैसे फिक्स किया? ये वायरलेस होता है ना, इसके नीचे जो है इससे फ़ोन से कनेक्ट होता है ना। ये क्या हो रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था। अब हो रहा है? चालू है? नहीं, अब नहीं हो रहा। तो ये ना बार बार मैं इसलिए फ़ोन में देख के देख रहा था कि वीडियो चालू है नहीं है। ठीक है, ये गोल चक्कर है ना, गोल चक्कर उसी के साथ में है वो। नहीं 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 क्या है वो तो तो मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे पीछे हमारे राजमा चावल मिलते हैं जिसकी बात मैंने आपसे की थी। तो अभी भैया से जाके मिलेंगे, उनकी वाइफ से भी मिलेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके के उनके पास में चैलेंजेस आए। तो ब्रो, आपका सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम करण कुमार। करण कुमार, और आपकी वाइफ का नाम क्या है? अमृता कुमार। अमृता कुमार, अच्छा। तो मैं आपकी यूट्यूब वीडियोज देख के आया था, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ। धन्यवाद। हाँ ना, क्योंकि आप मतलब सीरियसली यार, आजकल लॉकडाउन में इतना ज़्यादा मतलब लोगों की नौकरी वोकरी जा रही है और आप लोगों ने एकदम से स्टेप लिया, तो ये मतलब ये जो पुराना आपके माइंड में कभी आया था कि मैं ऐसा फूड से रिलेटेड कुछ करूंगा, या आपने सडनली मतलब किसका डिसीजन था ये? मेरे माइंड में कुछ नहीं था, जो भी डिसीजन था मेरी वाइफ का था। अच्छा, मतलब इन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि आप इस तरीके का? ओके, बट उस टाइम मैं जॉब में था तो मैंने इतना गौर नहीं किया इनके पास। हाँ, आप सडनली जॉब गई। हाँ जी हाँ जी, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आपके साथ हुआ क्या था? ठीक है, डिटेल में मैं क्या बताऊंगा, आपने सभी कुछ देखा है। देखो मेरे को तो पता है, मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा तो वो इतना अच्छे से मतलब एक होता है कि मतलब मेरे को कहेंगे कि तूने कुछ बड़ा चढ़ा के बोल दिया। तो मैं ये अगर आप अपने मुँह से बता दो कि आपके साथ क्या आप बीती हुई थी, मतलब किस वजह से आप लोगों ने इतना मतलब इतना अच्छा काम स्टार्ट किया, तो हुआ क्या था थोड़ा शॉर्ट में? शॉर्ट में बता दूँ? हाँ चलेगा। मैं पहले एक सांसद का ड्राइवर था। हाँ जी, उनके वहीं पे जो उनको सरकारी कोठी मिली हुई थी वहीं पे मेरे को रूम अलॉटमेंट हो। हाँ हाँ हाँ
सडनली ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद मेरे को बोल दिया कि आपको जॉब से हटाया जाए। अच्छा, कोई आपको मतलब पूछा हाँ ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जो सडनली आप जॉब से हटा? तो उनका कहना यही था कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली हम लोग तीन जने थे। तो आप कच्चे में थे पक्के में थे? मैं कच्चे। अच्छा, कच्चों में थे। और वैसे ऐसा प्रोसेस था कि आगे जाके पक्का होना है? नहीं, ये तो अच्छा अच्छा ओके। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे जाना होगा। मैंने उनसे लॉकडाउन लगा हुआ था, मैंने उनको बोला मतलब ठीक है आप जॉब से फायर कर रहे हैं, मेट्रो मेरे को कोई इशू नहीं है। आपने बता दिया कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, आप किस वजह से मेरे को जॉब से हटा? हाँ हाँ, बता दिया मुझे। फिर सडनली हाँ उन्होंने रूम भी खाली कर दिया। तो आपको रूम वो जॉब के कारण से मिला हुआ था? जॉब के कारण। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रूम उन्होंने खाली करने को कहा। हाँ, मैंने उनसे कहा कि सर अभी तो मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि लॉकडाउन में, आप भी जानते हैं पूरी पब्लिक जानती है कि लॉकडाउन में कहीं भी रूम नहीं मिलता। हाँ हाँ, वो तो होता ही है। रेंट पे भी लेना चाहें तो भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, हमें रूम नहीं मिला तो उन्होंने जबरदस्ती खाली करवाया। हाँ, जब मैंने उनसे थोड़ी सी बहस करी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल करी, दिल्ली पुलिस वाले आए रात को 12 बजे करीब, उन्होंने रातों रात मेरे को बोल दिया कि तो आपने उनसे वो नहीं बोला कि उस टाइम पे सरकार की गाइडलाइंस चल रही है कि किरायेदारों को आप निकाल नहीं सकते? हाँ, बोला था। मतलब उनके जो पीए थे ना, हाँ हाँ, तो वो मेरी सैलरी में से रिश्वत खाते। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सपोर्ट करने के बजाय हाँ उनको ये डर था कि अगर बॉस को पता चल गया कि हाँ रिश्वत, वो लोग रिश्वत खाते हैं मेरी सैलरी में से, तो उनकी जॉब पे फर्क पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने मेरी हेल्प ना करने के बजाय मेरे को वहाँ से ले लिया। ओके, तो आप लोगों को मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ, 12 बजे तक आप यहाँ से खाली। ओके, लेकिन 12 बजे तक खाली करना था, फिर किसी से जान पहचान वालों से पता किया कि कहीं रूम मिल जाएगा। एक थे जान पहचान वाले, वो भी ड्राइवर ही थे। हाँ जी, वो पार्लियामेंट में ही चला, तो उन्होंने मेरे को रूम दिलवाया। रूम क्या था, वो गैरेज था। हाँ हाँ हाँ, वो रेंट पे वो गैरेज दिलवाई। हाँ हाँ, मैंने अपना सारा सामान उधर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने बाद उनका कहना ये था कि अभी आप रह नहीं सकते, आप सामान रख लो बट आप लोग रह नहीं सकते। ओके, जब उन्होंने ऐसा कहा थोड़ा सा अजीब लगा कि रेंट भी दे रहा हूँ, सामान भी रखा हुआ और रहने की परमिशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपने मतलब ये गाड़ी में कैसे स्टे कैसे किया वो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा जो आपने कहा कि हमने अच्छा, तो आपने कहा कि मैंने और मेरी वाइफ ने इसमें काफी डेज स्टे करा है। ये वाली सीट पूरी बैंड हो जाती है। okay. वो सीट पूरी बैंड हो जाती है। पूरी बैंड होने के बाद बैंड तो ये आगे को होती है ना, ऐसे पीछे बैंड हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आगे इस बैंड नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो ये अभी आपकी हो गई या अभी भी आपके फादर इन लॉ की है? ये गाड़ी अभी आपकी हो गई या अभी भी फादर इन लॉ की है? अच्छा अच्छा। और कहा, मैंने कहा टेस्ट कैसा, तो कह रहे टेस्ट तो अच्छा है, बाकी टेस्ट वेस्ट तो छोड़ो। हाँ हाँ, नहीं ट्राई तो जरूर करेंगे ब्रो। हाँ, थैंक यू भाई। टेस्ट का कैसा लग रहा है? यही एंडिंग ओस्मो पॉकेट कैस। हाँ, DJI ओस्मो पॉकेट। अच्छा, काफी अच्छा, बढ़िया टेस्ट इसका। कैसा लगा रमीन खा के? ये हाफ प्लेट है ना? मतलब एक हाफ प्लेट खाओगे ना आप तो पूरे मतलब फुल हो जाओगे ऊपर तक। कितना हाफ प्लेट में फुल? बंदा एक ही हाफ खा पाएगा, ज़्यादा भूख लगी है तो दो खा लेगा। वैसे एक हाफ काफ़ी है। और व्हाट अबाउट राजमा चावल? स्टोरीज नहीं बनानी, शॉर्ट नहीं बनानी। पास तो आओ। बहुत अच्छा है यार। काफी अच्छा है, मजा आ गया खा के। अब पूरी खा जाएगा क्या? रहने दे, चल ठीक है।
तो ये लास्ट कब तक शॉप बंद करते हो आप, मतलब बढ़ाते हो? अब जो है लास्ट हो जाता है। अच्छा, जब तक आपका खाना निकल जाए 3:30 हो जाता है, बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोग मॉर्निंग आ जाता हूँ कोई 1:15 के आसपास। मॉर्निंग क्या हुआ तो मतलब मेरे को आप भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे, क्योंकि जैसे कि आपने भैया का साथ दिया स्टार्टिंग से ही, क्योंकि काफ़ी कम फीमेल्स होती हैं जो कि मतलब ऐसे बुरे टाइम में लोग मतलब अपने हस्बैंड का साथ देती है। तो आप मतलब एक मैसेज देना चाहोगे मेरी ऑडियंस को कि जैसे कि ऐसा टाइम आता है, आजकल लॉकडाउन हो रहा है, सबकी नौकरियाँ छूट रही है, तो मतलब कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको, तो आप उनको मतलब कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप भी आम लोग थे, कोई आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि जैसे लोग आजकल परेशान हो जाते हैं लॉकडाउन में नौकरी छूट रही है? मैसेज क्या, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि परेशानियाँ जीवन का हिस्सा है और परेशानियाँ आने से ही इंसान निखरता है, पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हम कहाँ तक कर सकते हैं और हमारे क्या हुनर है। हाँ हाँ, तो वो एक तरीके से ज़रूरी भी है आना, लेकिन उस हद तक जहाँ तक इंसान सह सके। जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं बर्दाश्त के बाहर, हमारा यही होता है कि पुरजोर कोशिश से उनका सामना करना चाहिए। हम दोनों ने भी किया, हमारे लिए भी वो दौर, वो 2 महीने प्रॉब्लम तो नो डाउट बहुत लंबी थी, लेकिन वो जो 2 महीने थे वो ज़्यादा तकलीफदायक थे, लेकिन शायद उन्हीं 2 महीनों की वजह से हम चमके और उन्हीं 2 महीनों ने हमें निखारा और यहाँ पे हमें खड़ा किया और आप सब लोगों को प्यार दिया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो का डट का सामना करना चाहिए। रात के बाद सुबह होती ही होती, तो अंधेरे से ना घबराएं और कोशिश करें। हाँ, तो आपने जो वो 2 महीने का टाइम पीरियड गाड़ी में बिताया था ना, तो वो कौन सी लोकेशन पे बिताया था? वो लोकेशन हमारी जहाँ इनकी, जहाँ हम लोग रहते थे, जहाँ ये ब्लॉक करते थे। हाँ, केजी मार्ग उसी के नियर बाई हम लोग वहीं गाड़ी लगाते थे और वहीं पर स्टे करते थे। अच्छा, अच्छा। तो आप जानते हैं कि गाड़ी में भी भले हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बाहर के लोगों को ये बताना मुश्किल हो जाता है, पुलिस वालों को ये प्रूफ करना कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ हैं और हम प्रॉब्लम में हैं इसलिए हम गाड़ी में, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो लोकेशन और उस टाइम पे तो चेकिंग भी ज़्यादा हो रही थी, लॉकडाउन का टाइम था, तो रात में अगर शीशों पे शेड लगे हुए हैं, अब रात में तो शेड्स तो लगाओगे, हाँ शेड लगे होते थे तो नॉक करके रात को, भाई कौन हो, क्या कर रहे हो, अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं सर प्रॉब्लम है, ये वो धमका देते थे, गुरुद्वारे चले जाते थे, फिर दोबारा आ जाते थे, मजबूर थे, क्या कह सकते थे, कोई चारा नहीं था, क्या करते। मतलब मेरे को पता है कि आप लोगों ने अपने फादर इन लॉ से भी बिल्कुल हेल्प नहीं मांगी, बस आपको ये जो गाड़ी मिली उनकी तरफ से हेल्प, ये बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि इस चीज़ से सब कुछ हो रहा है। और अभी शायद आप फरीदाबाद से आते अप डाउन करते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है आपको, मतलब कितने बजे मॉर्निंग में उठ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो सारा खाना, फिर यहाँ पे आ रहे हो, तो मतलब कैसे कर रहे हो, मतलब रूटीन क्या चल रहा है आजकल आपका? भैया वही है, हाँ बस तब ये था कि तब थोड़ा, तब हम इस चीज़ के आदि नहीं, हाँ ये नया था, हमको आदत नहीं थी, हाँ तो हम इस चीज़ को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे थे कि जल्दी जल्दी उठना, इतना सारा खाना बनाना, क्योंकि हमें आता भी नहीं था और हम इतना जानकार नहीं था। बिल्कुल, लेकिन अब क्या है कि हम थोड़े से इस चीज़ से हम यूज़ हो गए हाँ। तो हम अब, हमको पता है कि सुबह रात को हमें 2 घंटे इसमें देके 12 बजे तक हम सारा मसाला ग्रेवी सब कुछ करके रखते हैं, सोते हैं सुबह में 4 हम उठते हैं। कोई वीकली कोई ऑफ लेते हो? एक वीकली ऑफ हमारा संडे को होता है। अच्छा, संडे को ऑफ करते हैं, क्योंकि इधर क्राउड नहीं होता, तो संडे ऑफ करते हैं। तो मतलब ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन भैया ज़्यादा काम करते हैं या आप ज़्यादा काम करते हो इसमें थोड़ा सा? जो हम दोनों ही, हम, मैं ये कहूँगी कि ये ज़्यादा करते हैं और ये इनसे पूछो खाना कौन कुक करता है, आप करते हो भैया करते हैं? नहीं, कुकिंग मैं करती हूँ, बाकी जो भी कुकिंग की प्रिपरेशन होती है, कटिंग चॉपिंग जो भी होती है, वो सब ये करती हूँ। मतलब मेरी सिर्फ इतना होता है, सुबह इन्होंने मुझे उठाना, सब तैयार है, आप जाके तड़का दे। और आप डेली साथ में ही आते हो? हाँ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ एक आध दिन घर पे रह गए? और फेस्टिवल्स का कैसे अरेंज करते हो? फेस्टिवल पे भी हम लोग होते हैं, हाँ, जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, जैसे रक्षाबंधन हो गया, हाँ, तो उसमें नहीं होते क्योंकि उधर छुट्टी होती है। हाँ, हाँ, इधर ऑफिस वगैरह भी सब बंद होते हैं और ऑफिस ही बात है, इधर का क्राउड भी उतना नहीं होता, ऑफिस वगैरह बंद है। हाँ, वाइफ एक मतलब यूनिटी है ना आप में, बाउंडिंग देख के मैं सीरियसली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, मैंने आपकी वीडियो 2 महीने पहले देखी थी, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे कभी ना कभी आना है, मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरे घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हमारे जो कस्टमर हैं, जैसे कहते हैं कि ग्राहक भगवान स्वरूप होता है, तो ये सब हमारे लिए ईश्वर के ही रूप है। हाँ, फरीदाबाद जाने में तो काफी टाइम लग जाता होगा। अभी तो
आप यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं है कोई घर रेंट पे ले लेते हैं? इस तरह इस साइड की कोई भी लोकेशन दिया, हमारे बजट के बाहर है। करोल बाग, पटेल नगर, उससे भी आगे कीर्ति नगर वगैरह सब पड़ता है, वहाँ तक हम लोग गए हैं, सर्च किया है, बट वहाँ 15-16 तक का रेंट है, हमारी बजट में नहीं है। 15-16 है ठीक है, वो मंथली तो पे कर देंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है ब्रोकरेज, सिक्योरिटी, एडवांस, ये वो, तो वो पूरा टोटल ऑलमोस्ट बैठता है 15,000। वो बहुत काफी कॉस्टली हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए अभी इस लोकेशन में आना तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, बाकी यह है कि जैसे हमारे कस्टमर आते हैं, कुछ लोग हमको फॉर सपोर्ट हमको बोलते हैं कि हमारा इधर खाली है, हमारे रूम पे आ जाइए, ये है वो है, लेकिन उसके लिए भी आप समझ सकते हैं काफी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना सारा खाना बनाते, वो अलाव है नहीं है? क्योंकि मतलब ज्यादा आप वो हम लोगों को आप समझ सकते हो पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हर चीज की ज्यादा जरूरत है, स्पेस भी हमको चाहिए, तो पता नहीं वो चीजें भी हो सकती नहीं हो सकती, तो बस इसलिए अभी इधर नहीं हो पा रहा। बाकी कोशिश तो यही है कहीं नियर बाई मिल जाए तो हमारा भी थोड़ा टाइम बच जाए। फरीदाबाद, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पड़ जाते लोकेशन। और अभी फरीदाबाद से में अभी जो टाइम लग रहा है, इससे पहले लगता था 1 घंटा, तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक टाइम पे निकलते होंगे आप यहाँ से, क्योंकि पार्लियामेंट का सर्कल पूरा बंद है, वहाँ काम हो रहा है, पूरा घूम के उधर आउटसाइड से होके आना पड़ता है, तो बहुत लंबा ना। कढ़ी चावल, उसमें मुझे पकोड़ा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मतलब राजमा चावल वो बेस्ट है आपका, कढ़ी चावल भी बेस्ट है, लेकिन जो पकोड़ा था ना वो, मतलब एक तो आप घर का खाना वाला, बिल्कुल घर वाला टेस्ट आ रहा है, मसाले ज़्यादा कोई नहीं रखे थे आपने, मतलब एकदम फाइन था। मतलब ज़्यादा होता है ना कि आप अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, ये खा रहे हो, तो आपको पता चल जाता है आप रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो, लेकिन आपका खाना खा के ऐसा लगता नहीं कि घर का ही है, कि घर पे ही खा रहे हैं या किसी रिश्तेदारों के यहाँ पे खा रहे हैं, तो ऐसा फाइन टेस्ट है आपका, ज़्यादा आपने मसाले हाई नहीं कर रखे। चलो मिलते हैं जी, धन्यवाद। थैंक यू।